This Lellan Top video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड इन्वेस्ट 200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया और क्रिकेट इतिहास की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम बनी। मैच का पहला और तीसरा दिन पूरी तरह बारिश के कारण धुल गया था। दूसरे दिन भी बारिश ने खलल डाला, लेकिन फिर भी ये बड़ी बात रही कि मैच का नतीजा निकला, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि 2 साल चली चैंपियनशिप ड्रॉ मैच पर खत्म हो जाए। मैच का नतीजा निकला और ये मुमकिन हो पाया सिमोन ली की बदौलत। टिम ली, जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के द रोज बॉल क्रिकेट ग्राउंड के हेड ग्राउंड्समैन थे, बारिश की लगातार दखल के बीच उन्होंने और उनकी टीम ने मैदान को लगातार खेलने लायक स्थिति में रखा और पिच को भी भारी बारिश के प्रभाव में आकर खराब हो जाने से बचाया। अमूमन जब भारी बारिश के बाद कोई मैच शुरू होता है तो आउटफील्ड काफी गीली हो जाती है, इस पर गेंद रुकने लगती है और अगर आउटफील्ड ज्यादा खराब हो तो खिलाड़ियों के दौड़ते वक्त गिरने की भी आशंका बनी रहती है। लेकिन WTC फाइनल में पहले दिन पूरे समय बारिश होने के बाद भी दूसरे दिन आउटफील्ड उतनी बुरी स्थिति में नहीं थी कि खेल हो ही ना सके। यही हाल चौथे दिन का भी रहा, जब तीसरे दिन की बारिश के बाद मैच शुरू हुआ था। आउटफील्ड से लगातार पानी निकालकर इसे सुखाकर खेलने लायक बनाया गया। इसके अलावा बारिश से प्रभावित पिच भी दिक्कत दे देती है, पिच में नमी आ जाती है जिससे पेस बाउंस बिल्कुल मर जाता है, लेकिन इस पिच में ऐसा नहीं हुआ। ग्राउंड्समैन ली और उनकी टीम ने पिच को इस तरह बनाया और मेंटेन किया कि मैच के छठे दिन तक इस पर बाउंस था, गेंद विकेट कीपर तक कैरी हो रही थी। बारिश प्रभावित पिच में एक दिक्कत ये भी होती है कि जब नमी निकलती है तो पिच भयानक तरीके से टूट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं और पिच ठस पड़ जाती है। ऐसी पिच स्पिनर्स को मदद करती है लेकिन स्पॉटी नहीं रह जाती। ये दिक्कत भी रोज बॉल पर नहीं आई। ग्राउंड्समैन ली और उनकी टीम का ही ये कमाल रहा कि पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न तक मैच के बाद उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। वॉर्न ने ट्वीट किया, केन विलियमसन और पूरी न्यूजीलैंड टीम को जीत की बधाई। हैम्पशायर बॉल पर सभी यानी स्टाफ ने बेहतरीन काम किया और मैच के लिए एक बेहतरीन पिच उपलब्ध कराई। सिमोन ली ने मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि उनकी कोशिश रहेगी कि इस बेहद अहम मैच में पिच आखिरी दिन तक बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद दे। ली ने दावा किया था कि पिच पर आखिरी दिन तक पेस और बाउंस रहेगा और वो अपने इस दावे पर खरे उतरे। हालांकि मैदान को मुकाबले के लिए तैयार रखने में सिमोन ली की मदद एक स्पेशल साथी भी करता है, विंस्टन, सिमोन का डॉग, जो मैदान पर स्निफर डॉग की भूमिका में रहता है और सिमोन की टीम का हिस्सा है। सिमोन ने WTC फाइनल के पहले क्रिकइन्फो से बात करते हुए बताया था कि हर दिन मैदान पर आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि वे और विंस्टन मैदान का एक चक्कर काटते हैं। जब टीम इंडिया मैच खेलने के लिए यहाँ पहुंची थी तभी विंस्टन वहां मौजूद था। सिमोन ने बताया था कि पहले ही दिन खिलाड़ियों की विंस्टन से मुलाकात हुई और वे मिलकर काफी खुश हुए। इसके बाद तो रोज प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी समय निकालकर विंस्टन के साथ भी खेलते थे। ये वो किरदार हैं जिन पर हम मैच के रोमांच, हार जीत, खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शनों के बीच गौर नहीं कर पाते, लेकिन मैच को मुकम्मल मोड़ तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने, शुक्रिया।